ऐसा एक लेजेंड कार है, पता नहीं क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया है इसको। मैं आपको अंदर बैठ के भी दिखाता हूँ। काफ़ी बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे सामान आ जाएंगे। इससे कूल है ना, सब में क्या होता है कि छोटा सा मिल जाता है, उसमें प्रैक्टिकली वो एक ही मिलता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ द ऑटोमेटिक एसी जो कंसोल आपको मिल जाता है। दिस इज़ द गियर, पीछे की पोजीशन ऐसी है, काफ़ी पीछे तक लंबा जाता है। आपको पता है कि 7 सीटर है। उनका लेआउट आपको ऐसे मिलता है, देखिए स्टेयरिंग से लेके यहाँ तक, और जिसका सेंटर कंसोल है बहुत ही अच्छा लगता है। शायद इन्होंने टाटा ने प्रीमियम गाड़ी में ही दिया, उसके बाद देना बंद कर दिया और डिजिटल निकाल दिया जो बेकार सा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी, हाँ जी। और ये गाड़ी XT मॉडल है एंड इट्स ऑलरेडी रन 54,000 किलोमीटर। अच्छा, 54,000 आपने रन कर लिया। हाँ। और ये 2017-18 में लिया आपने? 2017 नवंबर, यानी 4 साल हो चुके हैं। हाँ, almost. Going to be complete. 4 years. तब कोई चीज़ें होती है ना तो लोग उसको वैल्यू नहीं करता, लेकिन अब हेक्सा चला गया, डिसकंटिन्यू हो गया, तो बहुत सारे लोग मिस करते हैं कि हेक्सा अच्छी गाड़ी थी, ये था वो सब। जितना ओपिनियन है उनसे जानेंगे। ये जो हेक्सा ली थी ना, इससे पहले कौन सी गाड़ी आप ड्राइव करते थे? इससे पहले मेरे पास सुजुकी की थी। अच्छा, रिट्स पेट्रोल। रिट्स पेट्रोल से सीधे आप डीजल हेक्सा में जंप कर गए? बिकॉज फैमिली ग्रोन कर रही थी, तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि भाई गाड़ी अब बड़ी होनी चाहिए। इतना लंबा जंप? हाँ, बिकॉज दोनों तरफ से मुझे सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली भी, और मेरे को लेनी भी थी एक बड़ी गाड़ी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन एक्चुअली that took me to that Hexa. अच्छा लगा, वरना मैं इनसे पूछने वाला था कि इतने सारे पैसे एकदम कहाँ से आ गए। जब मैं ये गाड़ी खरीदने गया तो आई वॉज लुकिंग फॉर 3 other कार्स ऑल्सो, जस्ट लाइक अपना XUV500, इनोवा एंड दिस वन। क्योंकि उस समय तो मेगा 2017 में 3 ही ऑप्शन, यही 3 ऑप्शन थे इन गाड़ियों में। सो वाइफ बोली कि हमें उसमें नहीं जाना है, XUV में, वो थोड़ी जीप टाइप की सी लगती है। अच्छा। देन इनोवा इज टू कॉस्टली फॉर मी बिकॉज द लोअर मॉडल कॉस्ट मी अराउंड समथिंग 26 lakhs एट होम। सो देन बचा कुछ ऑप्शन, सिर्फ एक्सा बचा। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, जो आपने इसको 4 साल हो चुके हैं, होने वाले 4 साल जो यूज़ किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस लास्ट 6 महीने से पहले तक इट वॉज वेरी गुड। ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैं इनके पास आया, आई टोल्ड देम दैट देयर इज अ नॉइस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, इट्स वेरी इरिटेटिंग नॉइस, इट्स अनयूजुअल, नॉट सपोज टू बी। सो one time they said, oh sir, there is a problem with the brake pads. They changed the brake pads and put me 3000. लेकिन 3000 का बिल आ गया। 3000 बिल है, फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं। फिर भी इशू रिजॉल्व। वो आवाज कैसी आवाज थी? It's like the metal to metal rubbing. Oh. I already told them that ये आवाज कुछ ऐसी है जो metal to metal rubbing हो रही है, आप देखो इसको। नहीं सर, कुछ नहीं। देन अगेन मैं 15 दिन बाद फिर आया, जैक पर गाड़ी लगाई, एक एक्सपर्ट, दो एक्सपर्ट, एंड यू नो there is a lot of people over there. So इन्होंने चेक किया, they couldn't find कि आवाज कहाँ से आ रही है, कोई एनालाइज नहीं कर पाया। So there is a seriously something, it shows that lack of skills or lack of understanding about the vehicle design. कि कहाँ से हो सकता, क्या possibilities होती है, and they even don't bother about it कि आपने वो कहीं चेक भी किया हो, या आपने टाटा सीजे टाटा से भी कंसर्न किया हो कि यार ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, they report I think nothing. So okay, and they finally told me, sir, आवाज आ तो रही है, we accept that, but there is no harm, you can drive a car. That is not the solution. That's not the solution. क्यों होता है ऐसा? क्यों ना, इन्होंने बहुत चेक किया, ये किया, ग्रीस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं पता कर पाए। लास्ट मैं अभी 15 तारीख को मैं वापस आजमगढ़ से आ रहा था, so while coming, then I was on आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे, so मथुरा टोल क्रॉस करते ही आवाज शुरू हो गई, और इट्स लाइक अ बम्पिंग साउंड, टक 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 टक, वो ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा थी। और मैंने सोचा शायद हमारा जो सामान है लगेज है वो शायद डिसलोकेट हो गया, सो रिलोकेट कर देते, अच्छे से फिक्स कर देते, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग। आई मीन वो तो फिक्स था, लेकिन थोड़ा चलो फिर रोके, तो दिल्ली वहां से लेके घर तक मैंने 5 बार गाड़ी रोकी। अच्छा, देखने के लिए। आई वाज रियली अपसेट कि क्या हो गया गाड़ी में, माय मॉम एंड डैड एंड एवरीबॉडी वाज कार, so it's like a risky, so I couldn't ride more than 80. Anyway, on 16th of July, I came here, and then they lifted up there, and then they said, ki, sir, there is a problem. Achha, you have to claim insurance. I said, what is happened? Why I should claim insurance?
सर देर इज अ प्रॉब्लम विद द चेसी, देर इज अ वन पार्ट इज ब्रोकन एंड चेसी में, चेसी में एंड यू शुड रिप्लेस, आई मीन टू से वी रिकमेंड कि आप इंश्योरेंस ले लो और ये चेसी चेंज होगी. और वो चेसी क्या प्राइस था उसका? इट्स अराउंड 1.5 लाख. सही में? हां यस. और वो पूरा चेंज हुआ? नहीं. देन दे सेड कि आप टाटा मोटर्स में, देर इज अ मिस्टर कॉल शोएब गोरी, ही वाज अ वेरी जेंटल पर्सन, आप उनसे बात कर लो, हमारा तो ये रिकमेंडेशन है, बट हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है. इफ वी कैन अरेंज दैट पार्ट वी कैन अरेंज इट, इफ वी कैन टेक इन वारंटी, बट वारंटी इज नॉट कवर्ड बिकॉज माई कार इज ऑलरेडी फोर ईयर्स क्रॉस. मेरे दिमाग में बात आई कि एट द टाइम व्हेन हेक्सा वाज लॉन्च्ड दे वर एडवर्टाइजमेंट दैट दिस कार कैन टेस्ट इट 8 लाख किलोमीटर्स एंड it's fine and different terrain, everything is possible with this car. So no doubt about it, this is elephant and the beast. But my car is only 54,000 kilometer and we don't expect this to happen, and it's seriously blunder, something seriously mistaken during, and it's a question about the durability. Absolutely. Inspection will while the car is making at the factory floor. So something seriously not taken, you know, consideration. I think something is missing. चलता है, we have an attitude in India, चलता है. चलता है, चलता है. तो चलता है attitude की वजह से मुझे लग रहा है शायद ये चेसी है गड़बड़ हुआ है. So 15 तारीख से गाड़ी मुझे आज 31st को मिली है. इनफैक्ट मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे कोई अल्टरनेट व्हीकल ऑप्शन ऑफर करो आप, ताकि मैं अपना कर सकूं, क्योंकि कोरोना टाइम में आई कैन नॉट गो इन अ पब्लिक कन्वीनियंस, आई कैन नॉट वॉक फ्रीली, आई शुड. After chasing almost a week, then they give me a car, and this was really, the door was totally rusted. इतनी बेकार गाड़ी उन्होंने मुझे दी, but ठीक है. नहीं नहीं सर, हमारे पास यही गाड़ी, हम आपको और गाड़ी नहीं दे सकते हैं, और आपको हम ये दे देंगे वो दे देंगे. They kind of, you know, they are trying to very soft. But anyway, finally they said कि सर आपका वारंटी तो क्लेम नहीं हो सकता. मैंने कहा इंश्योरेंस क्लेम करो, तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि ये डैमेज पार्ट है. तो मैंने कहा वारंटी आप दे नहीं रहे हो, इंश्योरेंस आप दे नहीं रहे हो, तो फिर ये क्या हुआ ये? नहीं नहीं सर, ये तो है, मैं पार्ट अरेंज करा रहा हूँ, चाइल्ड पार्ट, बट कुडंट अरेंज इट, कहीं से पॉसिबल ही नहीं हुआ पार्ट वो. तो इन्होंने क्या किया, उसको वेल्ड किया. अच्छा, वेल्डिंग कर दी. वेल्डिंग किया है, वेल्डिंग काफी अच्छी करी है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू बी वेरी फ्रैंक. तो वो डैमेज हुआ कैसे, कहीं लगा था कुछ हुआ? आई डोंट नो. अगर ये अचानक होता तो समझ में आता कि गाड़ी खड्डे में गई होगी, कुछ गया होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम काफी दिनों से परसिस्ट कर रही थी. दे कुडंट रिकॉग्नाइज, को एनालाइज नहीं कर पाए कि आ कहाँ से रही. मैंने इनको 6 महीने से इनको फॉलोअप कर रहा हूँ, नहीं हुआ. एनीवे, अब आपको क्या लगता है, वेल्डिंग चलेगा, टिकेगा? मैंने ये बात ऑब्जेक्शन उठाया था, तो जो भी यू नो सर्विस सेंटर बोलता है कि सर आप डोंट वरी, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जब इतना काम हुआ है तो विल मेक श्योर कि ब्रेक नहीं हो. तो उन्होंने अलग से कुछ सपोर्ट भी लगाया उसमें. अच्छा, लेकिन एक बात अरुण भाई, ये तो चलो ठीक है, जो 3000 पहले जो ब्रेक चेंज किए थे उसका क्या मतलब? वो तो मैंने वही बोला, उनको कि आप कर क्या रहे हो. बोला सर यही रीजन है कि हम आपको इतना चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे. दे वर ट्राइंग टू कॉम्पनसेट थिंग्स कि आपको ये नहीं करेंगे तो ये हो गया. तो मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ स्किल की सीरियसली कमी है, या तो ट्रेनिंग की कमी है या कुछ है. ये आप भी मानते ना, आपने ही बोला था, मुझे अरुण भाई ने बोला था कि लोग बहुत हम्बल है, बहुत जेंटल है, लेकिन जब वहाँ पे कोई स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास, जैसे मैं किसी चीज़ में काम करता हूँ ए कंपनी में, और वो ए कंपनी में काम करने के लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड है A+, ठीक है, अगर वो आपके पास नहीं है तो उस कंपनी में आपको नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो. अगर आपके पास इशू ए में है तो आप बी का रेजोल्यूशन करो. मतलब क्या है यार, कि ब्रेक पैड आपने चेंज कर दिया, उसका मतलब क्या है? क्योंकि एक तो ये प्रॉब्लम हुई, 8 लाख किलोमीटर का जो यू नो क्लेम कर रहे थे एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, इट्स ओनली 54,000 किलोमीटर. आप इनसे बात करते हैं, सारे ये इश्यू होने से पहले इनका एक्सपीरियंस, उन्होंने बोला अच्छा, मतलब जितना भी आपने ड्राइव किया था, पीपल वर जेलस एक्चुअली. जिसके पास टाटा हेक्सा है तो पीपल वर जेलस कि यार इसके पास ये गाड़ी है और ये गाड़ी बंद हो गई है, दे लिटरली वॉन्ट्स टू बाय इवन सेकेंड हैंड. तो ऐसा भी है, अभी भी इसका क्रेज है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर आप इसको और अदर गाड़ियों से कंपेयर करो, बिल्कुल कंफर्टेबल,
स्पेस और प्राइस, प्राइस सो स्वीट, बड़ा स्वीट स्पॉट है इसका. अभी भी ये लॉन्च हो जाए गाड़ी दोबारा तो इसको लोग लेंगे बहुत प्यार से लेंगे, तो एक बार बताइए अरुण भाई ये इशू होने से पहले कितना रेट करोगे ओवरऑल चीजों को? नहीं मैं इसको ऑलमोस्ट 8 तो करूंगा कम से कम, मिनिमम 8 करूंगा, मैक्सिमम 9. कहना बड़ा मुश्किल है बट स्टिल 6 तो जाएगा. 50 एवरीथिंग देखते हुए करता है आदमी क्योंकि उसको अपनी गाड़ी से लगाव है, अपनी फैमिली से लगाव है, इसलिए ऐसा लिया है. लेकिन जब मेन चेसिस में प्रॉब्लम आ जाए तब आपको सोचना पड़ेगा, नहीं वी हैव टू थिंक अबाउट वन मोर टाइम बिफोर एंटरिंग इन अ टाटा. आपने 8 या 9 तक भी रेट किया था इनको, आप कह रहे हो कि जो 1 या 2 कम था वो किस में कम कर रहे थे आप? सर्विस अगेन सर्विस. पीपल आर नो डाउट दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग दे कैन, बट द थिंग इज दैट skills वो कहीं मिसिंग है. मैंने ट्वीट भी किया था, आई एम फीलिंग लाइक चीटेड. मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने फोटो भी शेयर किया, देन एवरीबॉडी वाज शट डाउन. कुछ नहीं ना, नो रिस्पांस. वेल्डिंग जिस दिन हो रही थी आई वाज ऑन द स्पॉट, मैं देखूं कैसे कर रहे हैं. तो मैंने उसको बोला कि भाई वेल्डर आपने जो पकड़ा है इट्स अ लोकल वेल्डर, इज नॉट गुड. नो इट्स गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड डोंट वरी वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई सेड मतलब अब देखो ना यार जो आदमी फंस गया है ये समझ लीजिए फंस ही गया है. अगर वारंटी के बाद भी गाड़ी में कोई इश्यू होता तो पार्ट्स होने चाहिए. अगर आई एम रेडी टू स्पेंड मनी, ये वो पार्ट्स आ जाता तो दे देते करने के लिए, लेकिन पार्ट्स ही नहीं है क्या कर सकते. अच्छा काम करो, मैं टाटा की अच्छा ही गाड़ी अच्छी है तो लोग कहते हैं कि टाटा ने पैसे दे रखे हैं. अगर कोई इश्यू लेके आया तो टाटा वाले जो सपोर्टर है वो कहते हैं नहीं ये टाटा ये ना कि टाटा ने इसको पैसे देने बंद कर दिए, टाटा की बुराई कर रही है, ये क्या मतलब है यार. देखो मेरा सीधा जो हमारा रिव्यू आता है ना वो ऑन द स्पॉट होता है, जेन्युइन रिव्यू आई थिंक ऑन द स्पॉट होता है, वो भी ओनर को जो फील हो रहा है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ. और ऐसे बहुत सारे अगर एक्सपीरियंस आप लोग गेन करते हो तो आपको गाड़ी लेने में आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, चूज करने में हेल्प करेगा, कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना गाड़ी लेने में बहुत कन्फ्यूजन होता है वो आपका ईजी करेगा, इसलिए मैं ये सब वीडियोज लेके आता हूँ. आई रियली वांट टू से थैंक यू टू अरुण भाई एंड होप ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे. और अगर आप देख रहे हो तो कॉमेंट पर जरूर मैंशन करना प्लीज टाटा इम्प्रूव द सर्विस, ये सब कॉमेंट मेंशन कीजिएगा ताकि अगर वीडियो चलती है लोग देखते हैं तो टाटा थोड़ा सोचे और उसना सर्विस उसको थोड़ा इंप्रूव करे. इसी मैसेज के साथ कुछ कहना चाहेंगे? That's it. Keep your best, man. I'll take his number क्योंकि वेल्डिंग हुई तो इसका ना फीडबैक लेते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है. अगर कोई इश्यूज आता है ना जो वेल्डिंग हो रखा है फ्यूचर में तो हम दोबारा आएंगे अरुण भाई के साथ उसका जो अपडेट लेके. हाँ बिल्कुल. थैंक यू सो मच गाइज. अगर यहाँ तक तो वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस ऐसे कॉन्टेंट के लिए. आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी के स्टूडियो में. टिल देन टेक केयर, बी हंबल, बी पोलाइट एंड बाय बाय.